ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। फिर मम्मा ने कहा अपनी लाइफ को ट्रांसपेरेंट बनाना है, जिसको खुली किताब या खुला पोस्ट कार्ड कहते हैं। लिफाफा नहीं बनाना है, क्योंकि लिफाफे में थोड़ा सस्पेंस रहता है कि पता नहीं इसके अंदर क्या है। तो इतना अंदर बाहर स्पष्ट रहो, पारदर्शी रहो, जो मन में सोचो वही बोलो और वही करो, तो उससे कभी बदलना नहीं है। तो किसी के मन में संकल्प नहीं आएगा कि पता नहीं इनके मन में मेरे लिए क्या सोच चल रहा है, पता नहीं इनके मन में क्या विचार चल रहा होगा। तो इसलिए हमेशा स्पष्ट पारदर्शी रहना है, अपने लाइफ को खुली किताब बनाना है। और जैसे करते करते कहते ना, माँ जो होती घर की प्रथम गुरु होती है, तो माँ माँ भी, माँ शिक्षिका भी, और माँ प्रथम गुरु भी। एक बार मेरे से हंसी निकल गई ऐसे कोई, तो मम्मा ने बुलाया, मम्मा ने कहा कि देखो ये देवताओं की हंसी नहीं है, क्योंकि याद आदत होती थी खिलखिला के हंस देने की। तो मम्मा ने कहा कि देवताएं सिर्फ मुस्कुराते हैं, जोर से हंसना ये भी एक विकार है। कभी जोर से ब्राह्मणों को नहीं हंसना है। देवताएं कभी जोर से हंसते हैं क्या? हाँ, असुरों के मुख जरूर ऊंचा हंसे जोर से, तो ये एक विकार है जोर से हंसना, इसको भी छोड़ देना है। तो उस दिन से हम कभी जोर से नहीं हंसे हैं, क्योंकि मम्मा ने बता दिया है कि देवताएं मुस्कुराएंगे, इतने जोर से खिलखिला के नहीं हंसेंगे। तो एक एक बात, छोटी छोटी बात मम्मा सिखाती थी, छोटी छोटी बात। तो इस तरह से मम्मा हर एक चीज़ सिखाती थी, बोलना कैसे है, चलना कैसे है, उठना कैसे है, क्या कैसे करना है, तो वो मम्मा पूरा सिखाती थी।